नैनीताल जनपद के रामगढ़ में उमागढ़ ग्राम सभा के अंतर्गत राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के द्वारा मल्ला रामगढ़ में ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किए जा रहे सेब के बागान में उद्यान विभाग की मिलीभगत से लकड़ी एवं पत्थरों का अवैध कारोबार किए जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में क्षेत्रीय ग्रामीण मुखर हो गए हैं और यहाँ बांज एवं अन्य प्रजातियों के अनेक पेड़ों को काटने तथा उनकी लकड़ी चीर कर बेचने एवं इसी तरह से जंगल में मार्ग बनाने के नाम पर पत्थरों का अवैध खनन करने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा ग्रामीणों ने आगे बरसात होने पर यहां के मलबे के नीचे गांव में आकर वहां तबाही मचाने की आशंका भी जताई। इस मामले में देखें स्थानीय लोगों द्वारा उपलब्ध कराई गई वीडियो। रामगढ़ का दूसरा हिस्सा है और यहाँ से आप पूरी रामगढ़ का वो देख रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा तारबाड़ और ये इसका मेन गेट है और ये मेन गेट ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट एप्पल का सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें आइए आज हमने सोचा कि सपने लोगों को बहुत कम आने लगे हैं, परेशानियां ज़्यादा हैं, हमने कहा चलो इनका ही सपना देखते हैं। ये सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें कि एप्पल के लिए काम किया जा रहा है और ये पूरा जेसीपी से रोड यहाँ पर बनाई गई है और काफ़ी अच्छा सा एक प्रोजेक्ट जैसा कहा जा रहा है। आप इसको देख सकते हैं, सरकार के द्वारा भी और ख़ासकर जिला प्रशासन नैनीताल के द्वारा बहुत शानदार तरीके से इसका एक कल्पना है जिसमें टी हाउस वगैरह बनेंगे और कॉफ़ी का कैफ़े का है। ये इनका टैंक बन रहा है यहाँ पे काम चला हुआ है, पानी के लिए संग्रहण के लिए बना रहे हैं। ये पुरानी एक बिल्डिंग है और इसके नीचे पूरा एक अच्छा सा एप्पल का वो बनाया जा रहा है और हम लोग इसे चलते हुए देखते हैं कि कितना शानदार ढंग से विकास का काम हो रहा है यहाँ पे। ये पूरा जेसीपी से एक अच्छा सा रास्ता बनाया है और इसके थोड़ा आगे जाने के बाद हम लोग देखेंगे कि वो ड्रीम प्रोजेक्ट की आपको झलकियाँ दिखेंगे। ये पूरा खेतों को साफ करके आग लगा के मशीनें जेसीपी के द्वारा ये सब विकास कार्य हुआ। ये देखिए ये सेब के पेड़ आपको दिख रहे होंगे, ये नए लगाए हुए सेब के पेड़ हैं, एक साल के पेड़ हैं। इनको बड़े पेड़ों को यहाँ पर लगाया गया है, कोल्ड स्टोर में रखने के बाद फिर इनको प्लांटेशन किया जाता है। तो ये एक अच्छा सा सेब का बगीचा यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो इस पर वैरायटी एप्पल है। हालांकि उद्यान विभाग की ये ज़मीन है और 2020 में 19 में उद्यान विभाग ने खुद ये कहा था कि इस तरह के प्रोजेक्ट ऑफ फेल हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने एक वो किया है और एक अच्छे इनिशिएटिव की तरह ये किया है। तो ये एक बहुत बढ़िया सा वो आपको देखने को मिल रहा है और हम उम्मीद करते हैं आप पूरा इसको एंजॉय करेंगे। ऊपर देखिए जहाँ पूरा पत्थरों से क्वेरी करके पत्थर निकाल के ये रास्ता बनाया गया है और यहीं पर टी और कॉफ़ी का और इस तरह का एक प्रोजेक्ट बताया जा रहा है कि यहाँ पर होगा। तो ये इसका एक हिस्सा है और इधर की ओर आप देखेंगे शानदार सा एक जंगल के बीच में ये है। तो ये देखिए पूरी लाइन से सेब के पेड़ लगे हुए हैं, हेलमेट रखा हुआ है, इसका मतलब काम चल रहा है। ये इसका जंगल वाला हिस्सा है। अरे ये देखिए, अरे ये अच्छा ये जंगल वाला पूरा, अरे ये इतना बड़ा उसका पेड़ और नीचे पूरी जड़ और समझ रहे हैं ना विकास का मतलब देख रहे हैं ना। ये देखिए पूरा एक, अरे बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट तो जितना बड़ा हो, लेकिन ये बांज का पेड़ की मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये काफ़ी बड़ा बांज का पेड़ है और ये बिल्कुल लेटा हुआ धाराशाही हो गया है और ये इसकी जड़ खोद के यहाँ पर पूरा पत्थर की क्वेरी की जा रही है। मेरे को लगता नहीं है उसका एक हिस्सा था, लेकिन हुआ है, बाउंड्री की हुई है। नीचे आप देख रहे हैं पूरा ये पूरे पानी के स्रोत हैं और बांज का इतना बड़ा पेड़ पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है। पानी को रोकने के लिए बांज को काफ़ी वो माना जाता है और ये नीचे पूरे जल स्रोत हैं और आप देख रहे हैं कि ये इसका सबसे बड़ा भाग है जो जिसको जिस तरह ये दिखाया जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें पूरे पेड़ वगैरह काट के और ये पूरे पहाड़ को खोद के और पूरे नाले को बर्बाद किया जा रहा है। ये देखिए नीचे पूरा पत्थर डाला हुआ है और ये इसके एक झलकी मात्र है। अब देखिए इतने बड़े पेड़ का पूरा जड़ खोद के रख दिया इन्होंने
और ये बाज का सैकड़ों साल पुराना पेड़ होगा जो बिना जल के बिना हवा में इसको खड़ा करने का पूरा कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इनके द्वारा पूरा क्वेरी खनन किया जा रहा है और बड़ा इरिस्पॉन्सिबल तरीके से, बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर इन्होंने खनन किया हुआ है। और ये पूरे ढेर लगाए हुए हैं पूरे फार्म में इस तरह के, पहले भी ऊपर के फार्म में भी आप देखते हैं तो इस तरह का पूरा वो किया है। ये कि बांज के नए पेड़ हैं और जिन्हें खरसू वैरायटी के खरसू उसमें आता है बांज का। ये इस मामले में पूछे जाने पर डीएम धीराज गर्भियाल ने कहा कि वन विभाग द्वारा ठेकेदारों का पेड़ों को गिराने व अवैध कटान पर करीब 1,00,000 रुपए का चालान कर दिया गया है। साथ ही ठेकेदार से आगे यहां इस तरह की गतिविधि न करने की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा डीएम ने नवीन समाचार द्वारा मामला संज्ञान में लाए जाने के बाद अवैध खनन को लेकर भी कार्रवाई करने की बात कही है। इसमें ये पूरा क्यारियां बन रही है, पत्थर निकाला जा रहा है और ऊपर फार्म की भी कई फोटोग्राफ है जिसमें इन्होंने पत्थर निकाले हुए हैं। उद्यान विभाग की आड़ में ये लोग इन पत्थर बेच रहे हैं अवैध। और इतना बड़ा ये देखो, ये पेड़ कई सालों का पुराना पेड़, बांज का पेड़, ये इनके यहाँ से पत्थर निकालने की वजह से ये पेड़ भी भटक गया। ये पेड़ भी भटकने वाला है। ये जो पेड़ है ये भी भटकने वाला है। ये इतना बड़ा पेड़ है, कई सौ साल पुराना पेड़ होगा ये बांज का, ये भी भटकेगा जो बगल में इसके पेड़ है। और पत्थरों की कई गाड़ियाँ यहाँ से ये बेच चुके हैं, अभी ये पत्थर इन्होंने यहाँ ये लगा रखा है, निकालना शुरू कर रखा है, नीचे भी निकाल रखा है। ये नीचे गांव है, अगर कभी बादल ऊपर बादल फट गया जंगल में और ये मलबा अगर हमारे नीचे गांव में चला गया तो गांव में जो किसान हैं, जो उनकी ज़मीनें हैं, वहाँ कितना बड़ा नुकसान होगा। और इस बार बादल पहले से ही एक फट चुका है, उससे काफ़ी नुकसान हुआ है, लोगों के घरों में कीचड़ घुसा, ये जो पत्थर, ऐसे पत्थर के जो छोटे छोटे रोड़े होते हैं वो घुस गए, बगीचे में घुस गए। और ये आप देखो कि कितना बड़ा इन्होंने यहाँ नुकसान कर रखा है। और ये पत्थर, इतना पत्थर लग नहीं रहा है यहाँ, ये सारा पत्थर ये लोग बेच रहे हैं। हज़ारों रुपये की गाड़ियाँ जा रही हैं, 10-10, 15-15, 16-16, 17-17 हज़ार रुपये की गाड़ियाँ जा रही हैं इनकी। अभी इन्होंने इकट्ठा कर रखा है ये रात को। उधर भी हो देखो, उधर भी उन्होंने जंगल, ऊपर बांज के पेड़ हैं, नीचे उधर भी सारा पत्थर निकाला हुआ है। तो मेरा अधिकारियों से निवेदन है कि ये इस ओर ज़रा ध्यान दें, कल परसों ऐसा ना हो कि गांव वालों को उग्र होकर दोबारा से यहाँ तोड़फोड़, फिर इसके जिम्मेदार खुद अधिकारी लोग रहेंगे, उद्यान विभाग के सारी मिली भगत है ये, जो यहाँ ठेकेदार हैं वो भी कमा रहे हैं, सब लोग कमा रहे हैं। यहाँ तो थोड़ा सा पत्थर लगा हुआ है, यहाँ कोई ज़्यादा पत्थर उतना यूज हुआ नहीं है इतना ऐसे। तो हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से कि इसको शेयर करें। ये जगह है मल्ला रामगढ़, ज़िला नैनीताल, ज़मीन है उद्यान विभाग की, मल्ला रामगढ़ से करीब 2 किलोमीटर नीचे। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक एवं नवीन समाचार पर ऐसी वीडियो समाचार सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।